नाम राजू धोबे, क्लास थर्ड सी। मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ जिसका नाम है आलसी किसान। एक गांव में राम नाम का किसान रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो बहुत आलसी था। वो खेत में जाके बड़े से नीम के पेड़ में सोता था। वो एक दिन खेत में जा रहा था, उसके पत्नी ने कहा मेरे आज काम ख़त्म हो गए जी, मैं भी आपके साथ खेत में आती हूँ। उसके किसान ने कहा, नहीं तुम मत आओ, तुम्हें घर में काम हो सकता है कभी भी। तो वो चला गया। दूसरे दिन वो खेत जाग रहा था, उसके पत्नी ने फिर से कहा, उसने फिर से नहीं कहा और वो खेत चला गया। उसके पत्नी ने बात नहीं मानी और वो खेत में चला गया। उसे बड़े से नीम के पेड़ में सोते हुए देखकर उसकी पत्नी चिल्लाई और कहा, आप दिन भर यहाँ सोते हो, हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा? घर में गेहूँ अनाज की बोरियाँ भी नहीं है, हम कैसे जिएंगे? उसने उन दोनों ने मिलकर काम किया, उन्होंने काम किया, फिर घर जाने लगे। दूसरे दिन भी आए, उन्हें रास्ते में एक बाबा मिले। वो कह रहे थे, बेटा मुझे पानी दो, तुम्हारा भला होगा। उस किसान की पत्नी ने उसे पानी दिया और कहा, और उस वो जो बाबा थे वो निकल ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, दयालु स्वभाव की हो, तुम्हें क्या चाहिए मांगो। वो दोनों सोचने लगे। उस किसान ने कहा, मुझे एक सेवक दीजिए जो मेरा काम कर सके। उस ऋषि मुनि ने उन्होंने सेवक दिया। वो सेवक था राक्षस। राक्षस बीच बीच में काम करने के बाद धमकियां देता था कि मुझे काम दो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे काम दो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। उसने पहला काम दिया कुआं खोदने को, वो भी जल्दी उसने कर दिया। और फिर दूसरा बीज बोने को, बीज को पानी देने को कहा, वो भी कर दिया। वो बीच बीच में धमकियां देता था, मुझे काम दो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान की पत्नी सोचने लगी, उसको एक उपाय आया। उसने कहा, वो राह देखने लगी राक्षस की, राक्षस आ गया और उसने कहा, हमारे गांव के बाहर एक कुत्ता है जिसकी पूंछ टेढ़ी है, उसे सीधे करके आ जाना घर में। और वो चला गया वहाँ से। और शाम हो गई और वो दोनों आ गए घर में। जाने के उन्हें बीच में राक्षस मिला। उसने कहा, किसान की पत्नी ने कहा, जल्दी काम करके आ जाना, फिर और भी बहुत सारे काम हैं। और वो दोनों चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आलस करना बुरी बला है। थैंक यू।